अगर आप भी अपने फोन में चार्जिंग मीटर प्लस चार्जिंग एनिमेशन को सेट करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर देखिए। तो ही गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास कोई भी कंपनी का एंड्रॉइड फोन है और उस फोन में आप चार्जिंग मीटर प्लस चार्जिंग एनिमेशन को सेट करना चाहते हैं तो किस तरीका से कर पाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एप्लीकेशन का क्या नाम है यह तो मैं आपको वीडियो में कहीं भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। सबसे पहले तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको डिस्प्ले ओवर वेदर ऐप्स का परमिशन देना होगा। तो इस परमिशन को देने के लिए आपको सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक टॉगल देखने को मिलेगा, ठीक है। इस टॉगल को बस ऑन कर देना है। अब जैसे ही ऑन कर देंगे तो आपका काम जो है बन चुका है। अब अपने फ़ोन में आप चार्जिंग एनिमेशन को बहुत ही आराम से सेट कर सकते हैं, वो भी चार्जिंग मीटर के साथ। हाँ, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन में आने के बाद आप अपने फ़ोन का जो इंटरनेट है उसे ऑन रखें, ठीक है। ऑन रखेंगे तभी आप चार्जिंग एनिमेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको ढेर सारे अमेजिंग फैक्ट्स वाले चार्जिंग एनिमेशन मिलते हैं। मान लिया जाए मुझे यह चार्जिंग एनिमेशन पसंद आ गई, ठीक है। अगर अब मुझे यह चार्जिंग एनिमेशन को सेट करना है तो साइन वाले बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको एक एड्स देखना होगा। एड्स देखने के बाद आपको सेट नाउ पर आपको क्लिक करना है। सेट सक्सेसफुल हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन को किस तरीके से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, मात्र आपको अपने इंटरनेट को ऑन करना है। गूगल प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है पिकाचो, ठीक है। इस तरीके से आप मीनिंग को देख लीजिए किस तरीके से लिखा गया है, और यही है एप्लीकेशन। इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो